For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. आमिर खान इन दिनों अपने अपकमिंग फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के चलते सुर्खियों में छाए हुए हैं, जहां आमिर के अलावा बिग बी अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बिग टिकट फिल्म के लिए आमिर ही यशराज फिल्म्स की पहली पसंद नहीं थे। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म पहले ऋतिक रोशन को ऑफर की गई थी। हालांकि ऋतिक उस समय काबिल की शूटिंग कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। बताते चले, अफवाहों का तो ये भी कहना है कि ऋतिक ने इस फिल्म में काम करने के लिए 60 करोड़ की भारी भरकम फीस चार्ज की थी, जिसके चलते मेकर्स ने आमिर को ये रोल ऑफर किया और वो मान भी गए। और अब इस दिवाली पर आमिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ दस्तक दे रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।